हाय फ्रेंड्स, हमारे पहले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये है हमारा पाटिल परिवार, ये है मेरी मिसेस और ये क्यूट क्यूट जय और ये है कूल डैशिंग और स्टाइलिस्ट हमारी पार्थू, मतलब पार्थवी। तो इसके आगे आपको बहुत बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ बीच है, हमारे यहाँ फोर्ट है, बहुत से ऐसे प्लेसेस है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। ये है हमारा पहला ब्लॉग। तो पहला ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है नागपंचमी, उसकी आज पूजा थी और वो पूजा का विसर्जन करने का है। वो विसर्जन करने के लिए हम लोग जाएंगे ब्रिज पे। हमारे बाजू में ब्रिज है, उधर समुंदर का पानी आता है, उस पानी में हम लोग विसर्जन करेंगे। तो चलो चलते हैं ब्रिज पे। मैं इसके पानी में अंदर जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा और मैं विसर्जन कर। चलो देखते हैं क्या करता है जय। हम लोग अभी आ चुके हैं हाईवे पे। ये देखो, ये है हाईवे, हमारा रोड मेन रोड है और ये हम आ गए। अभी इधर से हम नीचे जाएंगे और उसके बाद ब्रिज और उसके नीचे है खारा पानी, समुंदर का पानी, और उसमें हम विसर्जन करेंगे। तो चलो देखो, ये है पक्का रोड, सीमेंट का रोड, अभी अभी तैयार हुआ है हमारे गांव का। और हमारे यहाँ पे गणपति का विसर्जन जो होता है उसका घाट बोलते हैं, जहाँ पर गणपति उतरते हैं, तो ये ही है सब। देखो ये जय को बहुत मज़ा आ रहा है और ये पार्थुक भी मज़ा कर रही है। स्वाति कैसा लग रहा है? जय जय आहिस्ता आहिस्ता चलो, नहीं तो गिर जाएगा। ये देखो, अभी ये रहा समंदर का पानी, ये है पानी। पार्थु तो धीरे धीरे चल रही है। पार्थु क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता, कीचड़ है नीचे। एक मिनट गिर जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है ब्रिज। ये अभी दिखाया था वो रास्ते का है ब्रिज, बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ब्रिज है ये, बहुत पुराना है लेकिन अच्छा है। और ये रहा हमारा समुंदर का पानी, यहाँ पे हम लोग विसर्जन करते हैं गणपति के। विसर्जन के बाद भी आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये नागपंचमी की पूजा का विसर्जन हो रहा है। देखो जय क्या खा रहा है? ये रहा सब हमारा नजारा, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश हवा है। ये देखो, ये देखो, यहाँ हम गणपति की विसर्जन करते हैं। बहुत सारे गणपति आते हैं, आपको हम वो भी दिखाने वाले हैं ब्लॉग में कि कितने गणपति लोग होते हैं और विसर्जन करते हैं। हम कोकण में रहते हैं ना, इसलिए यहाँ गणपति का महत्व बड़ा है, इसलिए
आप प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखो जय अभी पानी में उसका स्लीपर वॉश कर रहा है, ये देखो अर्थ भी। अरे जय गिर जाता, आसान से आराम से वॉश कर। ज़्यादा पानी इधर डीप नहीं है, 1-2 फीट होगा, इसलिए वो बिंदास आराम से कर रहा है। बोलो जय, अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करो उन चैनल को। सो गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं इधर से, चलो जय बहुत दौड़ रहा है, जय दौड़ लगा। सो गाइस जय की जो बाइसिकल है वो रिपेयरिंग को दी हुई है, तो जय बहुत जल्दी कर रहे हैं बाइसिकल की, तो अब हम जा रहे हैं जय की बाइसिकल देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी विसर्जन हुआ है और जैसे ही पार्वती ने बताया कि जय की बाइसिकल देखने के लिए, साइकिल देखने के लिए साइकिल के दुकान में जा रहे हैं, चलो मिलते हैं साइकिल की दुकान में। तो ये रहा अपना मेन रोड, बहुत गाड़ियों की भागदौड़ है, आगे में जाना। ये देखो चलो चलते हैं साइकिल की दुकान में। ये रहा साइकिल का दुकान, घर पे ही बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। और ये रख गया जय साइकिल देखने के लिए, कहाँ तक काम आया है। ये रहा साइकिल, जय का साइकिल, लेकिन अभी तक पूरा रिपेयर नहीं हुआ है ऐसा लगता है। ये देखो इसका ब्रेक वगैरह टूट गया था, जय ने पूरा तोड़ दिया था। ये जय कैसा काम बाकी है क्या जय बताओ फ्रेंड्स को। वो देखो जय देख रहा है पूरा। देखो वो चला के देख रहा है लेकिन काम बाकी है। जय मत चला, बाद में चलाएंगे, पूरा नहीं है, वो चेन वगैरह गिर गया है। वो देखो ये देखो ये फिट नहीं किया है ना, फिटिंग नहीं किया है। देखो जय एकदम ब्रेक वगैरह चेक कर रहा है, ठीक है बोल रहा है ना, ठीक है ना जय। कितना बाकी है काम, अंकल को पूछा वहाँ, उसको गाड़ी जैसी ग्लास, विंडशील्ड जैसी ग्लास चाहिए, वो गिर जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी तक साइकिल तो रिपेयर नहीं हुआ है, जब ही रिपेयर होगा तभी हम अलग सा ब्लॉग बनाएंगे, आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं अभी घर जाते हैं।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।